क्या नाम है? रामराज। रामराज जी, आपका राज चल रहा है, सर्विस टाइप पे बैठे हैं आप? हाँ, बैठना पड़ता है। क्या मांगे आप, किन मांगों को लेके बैठे हैं? मांगों को लेके बैठे हैं, एक तो सभी कर्मचारियों को 1998 से 2017 तक पक्का करवाना, जबकि इन्होंने वायदा किया निगम ने कि हम पक्का कर देंगे, उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। एक रिटायरमेंट कर्मचारी 2-2 साल से पैसे नहीं पाते हैं। डेथ केस के कर्मचारी जो है वो 3-3, 4-4 साल तक ना पैसा पाते हैं ना लगाए जाते हैं। दूसरी, कैशलेस मेडिकल कार्ड वायदा किया था 2014 में, अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। और इन समस्याओं को लेके हम जो है ये धरना प्रदर्शन। आप किस विभाग में है? इंजीनियरिंग विभाग। इंजीनियरिंग विभाग में जी। ऐसे कितने लोग कर्मचारी हैं जिनको अभी पक्का नहीं किया गया और वो कब से काम कर रहे हैं? 15 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, कम से कम कुल कर्मचारी जो पक्के होने हैं इंजीनियरिंग के, डैम्स के, एजुकेशन के, गार्डन के 30,000 कर्मचारी हैं जो पक्के करने हैं 1998 से लेकर 2017 मार्च तक। ये कर्मचारी हैं जिन्हें पक्का करना है। पक्का करने का आश्वासन आपको किसने दिया था? ये एक कमेटी बनी हुई हमारी, 13 दिन का हड़ताल चला था, उसमें एक कमेटी बना दी कि जो है दिवाली से पहले कि आपको जो है हम 3 महीने के अंदर पक्का कर देंगे, और उसका ऑर्डर निकाल दिया कमेटी ने, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है ये मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है धरने का। आइए और जानकारी लेते हैं कि हमारे बीच में एक साथी और हैं, अशोक अंजाना जी हैं। अशोक जी, आप कौन से विभाग में काम करते हैं? मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ। आप रिटायर हैं? हाँ, पहले मैं डैम्स में था, डैम्स से मैं रिटायर हो चुका हूँ, मुझे 4 साल हो गए रिटायर हुए। तो आप इनका मतलब समर्थन देने के लिए आए हैं या आपकी भी कोई समस्या है? मेरा संगठन चल रहे हैं दो, निगम मजदूर सर्व कल्याण मोर्चा, एक निगम शिक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मी मोर्चा, उसका संस्थापक हूँ, और जो हमारा मोर्चा स्वतंत्र मजदूर संयुक्त मोर्चा उसमें वाइस चेयरमैन हूँ। सर, क्या मांगों को लेकर आप इनका समर्थन करने आए? सर, हम जो है इनका जैसे भी बताया 20-20, 25-25 साल तक ये लोगों को गुमराह करके निगम, किसी को सेफ्टी टूट, किसी को लीव रिजर्व, किसी को दैनिक वेतन बढ़ाना, ये इस तरह से इनके 20-20, 25-25 साल निकाल देते हैं, उनको पक्का नहीं करते हैं। हमने अभी जो जैसे भी रामराज जी ने बताया कि एक बोर्ड जो गठित किया गया निगम के द्वारा, उसमें तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तीनों कमिश्नर, तीनों आपके सदन के नेता और 7 आदमी हम यूनियन के कॉमरेड जो हैं उनको इन्होंने मेंबर लिया है। जिस बोर्ड में हमारी बात चर्चा होती है, जब जब हमारी मीटिंग हुई तो एडिशनल कमिश्नर जो अब रिटायर हो चुके हैं दीपक अस्थिर जी, उन्होंने एक बैठक बुलाई, उस बैठक में निर्णय हुआ कि 31 हमारी मांग थी कि निगम के तमाम जितने भी ऑल फोर कर्मचारी हैं, फोर्थ क्लास के जितने कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, उद्यान के हों, वृक्ष के हों, मलेरिया के हों, आपके डैम्स के हों, और आपका स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ विभाग उनके हों, अन्य जितने भी डिफरेंट हमारे जो महकमे हैं, 28 महकमे हैं हमारे यहाँ, उनको सभी को एक बार की छूट दे के 1998 से ले के और 31 मार्च 2017 तक के ऑल फोर कर्मचारी को एक बार की छूट देकर पक्का किया जाए, ये हमारी मांग है। और ये इन्होंने उसको, हमने हड़ताल की, 13 दिन हमारी हड़ताल चली, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया, और गुमराह से नहीं करते आ रहे हैं ये कूटनीति इन्होंने बना रखी है, नीति ऐसी नीति हमारे लिए आधारित कर रखी है कि ये हमें गुमराह करते रहेंगे और हमारा शोषण करते आ रहे हैं। जितने भी हमारे मजदूर हैं सब तराई तराई कर रहे हैं, इनको 5-5 महीने हो गए हैं, 3-3 महीने, अब 3 महीने हो गए इनको तनख्वाह नहीं मिली है, किसी को 5 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली है इनको, जिनको आज की इस महंगाई में वेतन ना मिले, उनके बच्चों की ना ट्यूशन फीस भरी जा रही है, ना पेंशनर को पेंशन दी जा रही है, और हमारे आज हम भुखमरी के कगार पे हैं, और उसकी जिम्मेवारी सारी और जो है मोदी सरकार की है, क्योंकि यही 10 साल से पीछे से ये बैठे हुए हैं, आज मोदी सरकार केंद्र में है, अगर चाहे तो ये हम किसी आपदा के नाम से 5-10 हज़ार करोड़ रुपए देकर इस निगम के हालात को सही कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो निगम पार्षद हैं, उनका मानना ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, तो इसका क्या मानना है? सर, आपका उनका कहना जायज़ होगा, लेकिन हम इसको जायज़ नहीं मानते, क्योंकि हम निगम की नौकरी करते हैं, हम कमिश्नर, हमारा मुखिया है, माई बाप कमिश्नर है हमारा मुखिया, हम तो निगम की नौकरी करते हैं, हमें इस बात से क्या लेना देना है कि कॉरपोरेशन ये क्यों नहीं कहती कि हमारे पास इतने कमाई के सोर्स हैं। आज जब कहीं रोड बनता है या ठेका दिया जाता है, वो ठेकेदार की पेमेंट
पहले हो जाती है तो आपकी पेमेंट नहीं हो पाती, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये भाई भतीजावाद है। कर्मचारी है, तमाम कर्मचारियों को, उसमें अधिकारी भी हमारे परेशान हैं। ये नहीं कि हम कर्मचारी परेशान हैं, उसमें अधिकारी भी परेशान हैं। अधिकारियों को भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और देश के अंदर तो सब मंच से खड़े होकर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या आप लोगों का विकास नहीं हुआ? आती खरबों रुपये जो स्वच्छता अभियान के नाम से, आज हम सफाई कर्मचारी यहाँ रोड पे बैठे हैं, फोर्थ क्लास के कर्मचारी हम रोड पे बैठे हैं और अपना अधिकार मांगने के लिए, अपने न्याय मांगने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप देख लीजिए जो करोड़ों रुपए इन्होंने स्वच्छ अभियान के नाम से जो वो कहाँ गया, कहाँ लगा है? कोई आज तक मेरे ख्याल से कोई रोड गली कोई तो बना नहीं है। और ना ही हमें अपनी झाड़ू खरीद के लानी पड़ती है, हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको तो अपनी झाड़ू लानी पड़ती है मोल। एक झाड़ू कम से कम 400 रुपये की बनती है, उसको अपनी नौकरी बचाने के लिए उससे तीन तीन चार चार बीट कराई जाती है और अलग अलग एरियों में उसको भेजा जाता है और यहाँ से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तरह तरह से तो वैसे ही यात्राएं देते हैं इनको। और स्वच्छ अभियान के नाम से अब आप देख लो कि सफाई कर्मचारी दिल्ली का भूखा है और तमाम मजदूर भूखा बैठा है और अपनी मांग मनवाने के लिए हमें धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं जब हमें कहीं जाकर वेतन मिलता है। और जानकारी लेते हैं, आज इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं ब्रह्म प्रकाश जी, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत धरनों को समर्थन दिया है और उन समर्थनों के माध्यम से ये आज बहुत बड़े मुकाम पर हैं। तो आइए हमारे बीच में ब्रह्म प्रकाश जी, ये इतने दिनों से ये सफाई का मसला चल रहा है, मलेरिया का मसला चल रहा है, उद्यान का चल रहा है, बिल्डिंग का चल रहा है और इन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पाती, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए पिछले नवम्बर के 2000 नवम्बर में जब सभी कर्मचारियों ने धरना दिया था और इसी सिविक सेंटर पर तालाबंदी की थी, तो तीनों मेयर के माध्यम से और निगम के पदाधिकारियों के माध्यम से नेगोशिएशन के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया गया जी। अब चूंकि निगम के कर्मचारियों के जो हमारे नेता बैठे हुए हैं, इनके अलावा और 30 नेता हैं जो इस पूरे दिल्ली के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, तो दिवाली को काली दिवाली घोषित कर रहे थे और दिल्ली में साफ सफाई व्यवस्था को बंद कर रहे थे, तो चूंकि लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही थी तो इसलिए इस देश के वासी हैं, दलित हैं और इनका सबसे ज़्यादा योगदान इसमें रहा है और दीपावली काली ना मने इसलिए उस समय पर समझौता इसलिए भी किया गया क्योंकि मैं निगम की मीटिंग में बैठ करके हमने एक बात कही थी। हमने कहा कि देश में लाखों करोड़ों रुपए का बजट दलितों के फंड के लिए आता है, हर साल केंद्र सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ रुपए का फंड केंद्र सरकार देती है और केंद्र सरकार देती है तो देने के बाद उसको बोलो भाई इधर ले ले, बोलो ना उसको, रोशनी नहीं है इधर, इधर रोशनी रखिए। लाखों करोड़ रुपए का बजट आता है, 60,000-70,000 करोड़ रुपए हर साल रिलीज होता है SC ST के लिए। जब विजय माल्या 900 करोड़ रुपए लेकर के भाग जाता है, नीरव मोदी 11,300 करोड़ रुपए लेकर के भाग जाता है, मुहेल चौकसी 7,500 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है, मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी पर 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, गौतम अडानी पर 75,000 रुपये का कर्ज है, इस तरीके से पूरे देश का कर्ज इन लोगों पर 10 अरब रुपए का कर्ज है। जब वहाँ पर देश गरीब नहीं हुआ, बैंक सारे घाटे में चले गए और 10 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो डिफॉल्टर्स हैं, जब वहाँ से लोगों के भागने के बाद जब देश का नुकसान नहीं हुआ और देश चल रहा है, पार्लियामेंट में तमाम तरह के अमेंडमेंट होते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, जब उन पर अमेंडमेंट हुए हैं तो क्या एक देश में LDC जब आता है SSC के थ्रू और एक UPSC के थ्रू Class 1 IAS ऑफिसर आता है, जिस दिन से वो आता है उसकी LTC, उसकी CL, उसकी EL, उसकी ग्रेच्युटी उसी दिन फिक्स हो जाती है, उसकी सारी फैसिलिटीज उस दिन से मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया जब देश में फैलता है तो यही मलेरिया डिपार्टमेंट जो निगम में काम करते हैं बगैर किसी कवच के, बगैर किसी मास्क के ये मलेरिया डेंगू का छिड़काव करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं,
यही सफाई कर्मचारी सीवर में जब घुसते हैं और ये मर जाते हैं तो निगम के और बाकी लोग इन पर एक अपना जो सरकार में बैठे हुए सांसद हैं या मिनिस्टर हैं वो अपना दो शब्द शोक व्यक्त तक नहीं करते हैं। दिल्ली में कंडक्टर सवारी से लड़कर के मर जाता है उसको 1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार दे देती है और सीवर में दिल्ली के अंदर 1 महीने में 40 दिन के अंदर 13 लोग मर जाते हैं और दिल्ली में सरकार के ऊपर कानों पर जू नहीं रेंगती है। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि सबका साथ सबके साथ के साथ ये जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान पे अगर हम RTI से निकाल ले जाए तो दिल्ली के जितने भी बस स्टैंड हैं, दिल्ली के जितने मेट्रो स्टेशन हैं और देश के जितने अखबार हैं, जितने न्यूज़ चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल हैं, उन पर कम से कम स्वच्छता अभियान के तहत कई 1000 करोड़ रुपये का एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा है। लेकिन यहाँ इस समय पर देश में जो लोग आज मलेरिया वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं 12 तारीख से, वो लोग गंभीर स्थिति में हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, वो मौत के दिन गिन रहे हैं, ये लोग यहाँ पर बैठकर के धरना दे रहे हैं लेकिन सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। क्या इस देश में क्या एक अलग से बजट ऐसा नहीं पेश होना चाहिए या एक सरकार ऐसा अमेंडमेंट लेकर आए कि ये दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं और दोनों की लड़ाई एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने में लग रही हैं। केजरीवाल ने आज उसको ये कहा या उसको ये कहा या दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने फलाने सांसद को ये कहा, पूरा मीडिया चैनल एक दूसरे को नजर बनाने में लगे हुए। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट है, एक मिनट देश को आजाद हुए 70 साल हो गए और 70 साल मेरी बात कंप्लीट, हर एक मंच पर जाके कहते हैं हम दलितों का उद्धार करेंगे या हम जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं उनका उद्धार करेंगे, मंच तक बात रह जाती है, फिर उसके बाद में आज 70 साल हो गए, फिर वो ये समाज जो सफाई कर्मचारी है, दलित समाज है, बहुजन समाज है, वही ढर्रे पर है। हाँ देखिए, आपने बहुत बड़ी सही बात कही है। आज भी आप कह रहे हैं 70 साल हो गए, 70 साल में सबका विकास हो गया, सब लोगों की तरक्की हो गई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष में। उड़ीसा में भी आज 5,700 रुपये वेतन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में 4,000 ठेकेदारी में मिल रहा है और दिल्ली में भी वही हाल है। जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं जो 14,000 रुपये का वेतन है, ठेकेदार उनको भी मार के खा रहे हैं। यहाँ निगम में काम करने वाले लोगों को 3-3 महीने 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये लड़ाई इस बार आर पार की है और ये आर पार की लड़ाई इस बार इसलिए है क्योंकि पिछली मीटिंग में बैठ कर के हमने जब ये बात रखी थी कि इनको जितने भी कर्मचारी हैं, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि 1997 से 96 से लेकर के आज तक जितने कर्मचारी हैं, जिस तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग बाबू आते हैं उनको उस दिन से फैसिलिटीज मिलती है, उसी दिन से सरकारी जो MCD निगम में काम करता है, वो किसी भी पद पर काम करता है, उसी दिन से उसको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनको रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। दूसरा, मेडिकल कैशलेस कार्ड होना चाहिए। अब बीमार हो जाता है तो वो बीमार में इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, निगम उस पर एक पैसा खर्च नहीं करती है, उनके लिए एक कैशलेस कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अब वो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की जो राजधानी है वो दिल्ली है और दिल्ली में तमाम बीमारियों को ख़त्म करने के लिए ये सफाई कर्मचारी लगता है, उसी के लिए इलाज की सुविधा नहीं है, वही दुनिया का इलाज करवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, उसी के लिए कार्ड की सुविधा नहीं है। तो ये एक मानवता, इस देश में लोगों की मानवता मर गई है, बताना इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि जो देश में दलितों के भी नेता हैं, तथाकथित नेता जो रामलीला मैदान में दलितों के नाम से रैली करते हैं, सम्मेलन करते हैं, चंदावाई करते हैं, पैसा खाते हैं और पार्लियामेंट में अपनी हुंकार भरते हैं, वो लोग इस सफाई कर्मचारियों की बात कब रखेंगे भाई? वो लोग इन सफाई कर्मचारियों से उम्मीद ये करते हैं कि वो उनके आंदोलन में शरीक हो, उनको नेता बनाए, लेकिन इनकी बात कौन कहेगा? सर, अभी कुछ दिन पहले की घटना थी, सुमन डावर करके नाम है एक निगम पार्षद का, उन्होंने अभी जो मलेरिया के डिपार्टमेंट में जब HGR चौधरी और उन पर एक अटैक किया गया, उनके बदमाशों ने अटैक किया गया जैसा कि बताया गया और उन कर्मचारियों के उनसे उनकी डिमांड थी कि भाई ऑफिस के अंदर सोफा आना चाहिए या तरह तरह की डिमांड करी, अगर जब पूरी नहीं की तो उन पर हाथापाई भी हुई, उनके बदमाशों ने मारा भी गया, लेकिन उस पर भी किसी ने भी अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, ये ऐसा है, वो एक निगम पार्षद है, उनका मैटर अलग है,
मैं दोनों के मैटर को साथ में घोलमेल नहीं करना चाहता, क्योंकि इनकी मांग अलग है। जब वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जब वो यहाँ की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ क्या उठाएंगे? वो सोफाओं की लड़ाई है, वो लकड़ी के कुर्सी पर बैठने की लड़ाई है, यहाँ तो रोटी की लड़ाई है भाई, यहाँ 2 जून की रोटी की लड़ाई है। आप किसी से पूछ के तो देखिए, ये सांसदों की तनख्वाह 5 लाख रुपए कर दी गई, ये बेचारे सीवर में घुस करके मर रहे हैं, इनकी तनख्वाह और इनको कर्मचारियों को परमानेंट कब करोगे भाई? इनके लिए अमेंडमेंट कब लेकर आओगे? इनके लिए कब बिल लेकर आओगे? क्या आप लोग नहीं मानते कि आप लोगों की कमी नहीं है? अगर वो अपनी 5 लाख तनख्वाह करते हैं और जब उनको आप सत्ता में जिता कर भेजते हैं, क्या आप लोगों की नहीं? मैं अभी आपको बोला 70 साल होगी इस देश को आजाद हुए, फिर वही डर्रे पर है, आप वायदे करते हैं, वायदे। इस बार हम आपको बता दें पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जब तक कि पिछली बार 18 अक्टूबर को जब ये आंदोलन हमने कंप्रोमाइज़ किया था, तो उन्होंने 22 तारीख को 20 तारीख को इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था। ऑर्डर ये निकाला था कि 98 मार्च से लेकर के और 2017 अप्रैल तक के जितने कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन वाले या डेली वेजिस वाले, वो सभी रेगुलर कर्मचारी घोषित कर दिए गए हैं। इस बार अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। 70 साल का जो आपने सवाल पैदा किया है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस बार जब तक कि प्रत्येक कर्मचारी को लीगल तरीके से डिपार्टमेंट निगम की तरफ से एक लेटर कंफर्मेशन का नहीं मिल जाएगा और उनके इंडिविजुअल लेटर एरियर के नहीं मिल जाएंगे, तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस बार या हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कोई बिगर रिटेन के कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 70 साल का रिकॉर्ड अब टूटेगा और जो हमारा साथ देगा हम उसको ही वोटिंग करेंगे, नहीं तो हम उसका विरोध करेंगे।